ओम शांति। 6 नवंबर की शुरुआत में सबको स्वागत है। परमात्मा कहते हैं, सदा एक के स्नेह में समाये हुए, एक बाप को सहारा बनाने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भवा। या तो परमात्मा हमारे सहारा है, या तो फिर दुनिया, चीज़ें, वस्तुएं या वैभव और व्यक्ति हमारे सहारे हैं जो कि टेम्परेरी हैं। जो बच्चे एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं, वे सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। ये दुनियावी प्राप्ति नहीं है, ये है आत्मिक प्राप्तियाँ जो कि सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, जो कि भौतिक चीज़ों से नहीं मिल सकती 100%। परमात्मा उसकी बात करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता, चाहे मनुष्य हो, चाहे वैभव हो, चाहे वस्तुओं हो। उन्हें सहज ही एक बाप दूसरा ना कोई ये अनुभूति होती है कि मुझे अगर डिपेंडेंट होना है तो एक परमात्मा पर होना है, इंसान पर नहीं होना है, वस्तुओं पर नहीं होना है, व्यक्तियों पर नहीं होना है, चीज़ों पे नहीं होना है, अपनी काबिलियत पे भी नहीं होना, क्योंकि वो परमात्मा ने दी हुई है, जिसको हम ओवर कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। उनका एक बाप ही संसार है, एक बाप द्वारा ही सर्व संबंधों के रस का अनुभव होता है। बंधु, सखा, साजन, सजनी, माता पिता, उनके लिए सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, ना कि वैभव वा साधन। इसलिए वे सहज आकर्षण मुक्त हो जाते हैं। अब ये ट्रांजिशन का एक तरीका है, समय लगता है इसमें, परमात्मा के प्रति हम आकर्षित हों या दुनिया के प्रति आकर्षित हों। पिछले 63 जन्म से हम दुनिया, वस्तु, वैभव, अपने शरीर से भी आकर्षित, औरों के शरीरों से आकर्षित, ये सब चलता आया है। लेकिन परमात्मा कहते हैं, तुम्हारे पास में चॉइस है कि तुम मुझे पहचान करके, जान करके मुझसे कनेक्ट हो जाओ, या तो फिर दुनिया की तरफ ही रहो। ओम शांति।